हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेपाल एंड इंडिया का बॉर्डर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ खटीमा। खटीमा पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं एंड क्या क्या है खटीमा के अंदर। और अभी इस टाइम हम लोग हैं रेलवे स्टेशन जो खटीमा की है वहाँ पे हैं। एंड जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट बराबर में आपको एक ताल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पीछे आप देख सकते हैं ताल, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। एंड अभी अभी सूरज निकला है भाई साहब और बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का। और ये पीछे मेरे ताल है, इसमें आप देख सकते हैं ये बेल टाइप की है, इससे बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही है। पीछे आप देख सकते हैं एंड यहाँ पीछे आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है मेरे जस्ट पीछे ही। और मेरे साथ मेरे दोस्त आया हुआ है अर्पित भाई। तो अभी हम आ चुके हैं सीधी खटीमा। इस साइड आप देख सकते हैं कॉर्नर पे मकान वगैरह एंड उधर स्टेशन है, वहाँ से हम जो है टिकट कटाएंगे। टिकट कटाने के बाद जो है हमको जाना है टनकपुर। हाँ। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं खटीमा में, एक नए शहर में। सनसेट का वो सनराइज का टाइम हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सुबह सुबह की धूप है। एक पौंड है, बहुत अच्छा सा पौंड है मेरे पास में। और रेलवे स्टेशन पर अब हम जाकर उससे जाएंगे नेपाल में और वहाँ पर हम घूमेंगे अच्छी अच्छी वादियों के बीच में। और वहाँ पर एक हमारे लिए ओशियन है, बहुत स्मॉल टाइप का है, तो हम अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करने जा रहे हैं। लेट्स रेलवे स्टेशन पे हम जाएंगे और सबसे पहले हम टिकट लेंगे, उसके बाद हम सीधी टनकपुर उतरेंगे। टनकपुर में क्या क्या है वो दिखाएंगे आपको और खटीमा में लौट के आके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। अभी तो मार्केट खुली नहीं है और जो जिस जगह हम घूमने जा रहे थे वो जगह भी अभी ओपन नहीं हुई है, तो अभी तो हम घूमेंगे नहीं खटीमा में। तो खटीमा में आपको हम बस इतना ही दिखा सकते हैं। अभी आ चुके हैं स्टेशन और यहाँ से टिकट कटाते हैं, उसके बाद जाते हैं टनकपुर। दोस्तों टिकट ले लिया है एंड इसके बाद हम आ चुके हैं स्टेशन पे। आप पीछे देख सकते हैं ये जो है वो जगह है जहाँ से हम जा रहे हैं टनकपुर। एंड खूबसूरत है, प्यारी लग रही है। और पीछे अर्पित भाई भी स्मार्ट लग रहा है, आप देख सकते हैं स्मार्ट लगेगा। इसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, ऐसे बता नहीं सकते आपको बयां नहीं कर सकते आप। इसकी हंसी और इसकी मुस्कान से आप समझ सकते हैं फीलिंग कुछ तो है। तो अर्पित भाई बताओ कहाँ जा रहे हैं अभी अपने लोग? नेपाल। नेपाल से पहले आपको टनकपुर दिखाएंगे क्योंकि हमें लग रही बहुत ज़्यादा भूख और नींद भी लग रही है। तो दोस्तों आ चुके हैं अभी हम बनबसा स्टेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भाई पहाड़ दिख रहे हैं पीछे वाले और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और सुबह सुबह सूरज निकला हुआ है तो बहुत हमारे चेहरे पे लग रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं अर्पित भाई खड़ा है। दोस्तों देख सकते हैं आप पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो अभी हमने फ़ोटो शूट किया था यहाँ पर और इसने भी फ़ोटो शूट करा था। कैसा आया था फ़ोटो भाई? मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छी जगह आए हुए हैं, अच्छी मॉर्निंग है। हाँ, बहुत अच्छी मॉर्निंग लग रही है यहाँ पे भाई। सूरज निकला है, उसके बाद आप हरियाली देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी है यहाँ पे। सूरज निकला है सूरज के साथ, सूरज की वादियों में बस बस बहुत हो गया भाई। फाइनली हम बैठ रहे हैं ट्रेन में। हाँ, बहुत हो गया। और यहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस में। आजा
तो फाइनली हम आ चुके हैं टनकपुर स्टेशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा और सामने पहाड़ दिख रहे हैं बहुत ही प्यारे, और अभी हम नीचे उतरने वाले हैं। और ये जो है स्टेशन बहुत प्यारी बना रखी है, इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पायलट भाई उतरते हुए, लोको पायलट जो है लोको पायलट को दिखा दूँ। तो देख सकते हैं पीछे लोको पायलट बाहर निकल रहे हैं इंजन से, और इनकी शिफ्ट जो है ख़त्म हो गई है, तो दूसरे भाई आए हैं अपनी शिफ्ट पूरी करने के लिए। और तो अभी हम जा रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे यहाँ की, और पहाड़ दिखाएंगे और नदी दिखाएंगे, और नेपाल भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है यार, तो आप देख सकते हैं मैं क्या क्या पहन के आया हूँ, टोपा भी लगा रखा है हमने। और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, कह नहीं सकते यार, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आ रहा है यहाँ का व्यू। पहनना पड़ेगा, पहन ले भाई, ये भी पहनना ही पड़ेगा यार, यहाँ हवा चल रही ठंडी ठंडी है, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी जो टनकपुर की डैम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पहुंच चुके हैं। और यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है, पीछे देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़। और अभी हम खाने वाले हैं टिक्की क्योंकि हमें लग रही है भूख, और उसके बाद हम जाने वाले हैं भाई इधर डैम के पास। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं डैम पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डैम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और पीछे आपको देखने को मिलेगी शारदा नदी, एंड इसके पीछे जो है पहाड़ हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे। और थोड़ी देर पहले हम यार गलत जगह पे पहुंच गए थे, और फिर वहाँ पे हमने फ़ोटो शूट कराए थे, उसके बाद वहाँ जो ऑफिसर था भोसड़ी का पता नहीं कौन चूतिया था वो आ गया, उसने बेइज्जती कर दी हमारी, तो हमारा चूतिया कट चुका है अभी। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ आप आएंगे तो यहाँ से आप देखें व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है, आप देख सकते हैं हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। और ऊपर आप देख सकते हैं ये डैम बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड प्यारी बनी हुई है। और बेसिकली हम बताएं तो यहाँ पे जो है वीडियो वीडियो बना सकते हैं आप, फ़ोटो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई इतनी तेज़ हवा चल रही है कि वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और ठंड इसीलिए लग रही है पीछे पहाड़ भी हैं एंड नदी है, और यहाँ पे डैम बनी हुई है तो हम डैम के ऊपर हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, हवा जो है बिल्कुल ठंडी ठंडी आ रही है क्योंकि पानी की सरफेस से टकरा के जो है ऊपर आ रही है, तो ठंडी हवा आ रही है एंड पहाड़ों से आ रही है तो इसलिए और ज़्यादा ठंडी है। बहुत तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आवाज आ ही नहीं रही है, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज इसलिए आवाज जा ही नहीं पा रही है, तो बहुत तेज बोलना पड़ रहा है यहाँ पे। और देख ही सकते हैं आप पीछे पानी की आवाज बहुत ज्यादा तेज है, और ठंड बहुत ज्यादा तेज है, और यहाँ हवा चल रही है बहुत ही ज्यादा तेज। ये हम इंडिया नेपाल बॉर्डर पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम इंडिया के नेपाल के बॉर्डर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया और नेपाल, इस साइड जो है इंडिया है उस साइड जो है नेपाल है, तो अभी हम फाइनली बॉर्डर पे ही हैं। और यहाँ पे जो डैम है बहुत ही प्यारी डैम है, और स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, यहाँ पे नेपाल में आ चुके हैं दोस्तों, अर्पित मेरे साथ है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी पानी, जो शारदा नदी है उसका पानी दिखाने वाला हूँ, एंड बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, तो पूरा व्यू दिखाऊंगा मैं आपको।
तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा झरना बन, एक साइड से जो है डैम को खोल दिया है, एक पैनल यहाँ पे खोल दिया है, एक पैनल खोलने के बाद पानी कैसे गिरता है एंड कितना प्यारा व्यू आ रहा है आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए आप भाई। ओ भाई ओ। देख सकते हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे तिरंगा लगा हुआ है, तिरंगा आप देख सकते हैं कितना प्यारा तिरंगा है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नदी के किनारे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है शारदा नदी, तो इसके किनारे हम खड़े हैं अभी, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है एंड बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो आ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। आजा पास में आजा, तो अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल नदी के पास में। और गिर गया मैं, बच गया दोस्तों, बच गया। ओ भाई यहाँ से सेफ्टी शूज है, तो हमारे सेफ्टी शूज यहाँ पे काम करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है पीछे का, और नज़ारा आप देख सकते हैं शारदा नदी का, और पीछे मेरे अर्पित है, और इस साइड जो है नेपाल है, उस साइड जो है पीछे व्यू कितना तगड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे हमने फोटो शूट किए थे, तो आप अगर यहाँ पे आते हैं इंडिया के बाद जो नेपाल का बॉर्डर आता है वहाँ पे आप भाई फोटो जरूर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा वाली फील आ रही है, और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, और हम बहुत ही रिस्क लेके आए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पीछे ये डैम है पूरी, और उस साइड भी बनी हुई है। इधर अर्पित कुछ कहना चाह रहा है, बोलो। आप लोग ये रिस्क लिया है नीचे आने का इतना, तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आए हो मेरी जिंदगी में तुम। तो हम आए यहाँ पर एक नए शहर में, नई जगह नेपाल, नई देश में आपको मिलवाते हैं हम अपने दोस्तों से। चलो देखो सामने दोस्त आ रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम आपको मिलवाते हैं अपने दोस्तों से एंड छोटे छोटे बच्चों से, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे। फाइनली गाइस हम एंटर कर चुके हैं नेपाल के अंदर। तो नेपाल के अंदर आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आता है पीछे से, एंड आगे से भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, आगे से तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। आगे पहाड़ भी हैं एंड यहाँ पे जंगल बना हुआ है पूरा, जंगल बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पे, और यहाँ जो सड़क है बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही है पीछे से आप देख सकते हैं। अभी मैं आगे से दिखाऊंगा आपको सड़क एंड पहाड़ एंड यहाँ का जंगल, और यहाँ के लोग जो हैं लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको ऐसी अजीब और गरीब चीज दिखाऊंगा जो आपने नहीं देखी होगी कभी भी, और मैंने भी कभी नहीं देखी थी भाई, तूने भी कभी नहीं देखी थी। क्योंकि ये अलग चीज है यार भाई साहब, मतलब अलग ही दिमाग लगाया, अलग ही लेवल का, मतलब कोई अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा तो उसकी फट जाएगी इसको देख के यार। तो अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि वो क्या चीज है अलग, आप भी देख के अचंभे में रह जाएंगे भाई साहब। चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये थी वो नई चीज, आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मदेव, मतलब 0.250 किलोमीटर ब्रह्मदेव है, मतलब आदमी दूर से देखेगा तो कहेगा अरे 250 किलोमीटर है, मात्र 250 मीटर। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा अलग चीज है, उसे देख के हमें अलग ही फील आया है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ सिद्ध बाबा पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ सिद्ध बाबा का मंदिर है, तो यहाँ पे हम घूमे हैं अभी,
और यहाँ पे दर्शन भी किए सिद्ध बाबा के, और यहाँ पे आप देख सकते तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पानी की चोरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं है तो इसका फायदा उठा रहा है, और फिर देखो यहाँ पे पानी पी लिया इसने।